हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका हमीरपुर बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। पोस्ट नेम है क्लर्क और पोस्ट कोड है 692। उसका आज पेपर डिस्कस किया जाएगा और इसमें सीरीज ए रहेगी। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 170 आते हैं, 170 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें जो मैक्सिमम मार्क रहते हैं 85, और ये इसमें टाइम आपको रहता है 2 आवर्स। और इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप सब कुछ कि यहाँ 170 क्वेश्चन रहते हैं आपके और इसमें 85 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का होता है। और चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो व्हाट नंबर इज नियरेस्ट टू द 457 विच इज डिविजिबल बाई 11। तो इसको मैं सीधा ही डिस्कस करूंगा, आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं खुद। तो इसका सही मार्क रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69:92 इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिविजिबल बाई 0.0005। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी बी 27 ईयर देन हाउ ओल्ड इज बी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% ऑफ 50% ऑफ 250% ऑफ 34 कितना होगा? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड श्याम टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। राम कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज एंड हाउ लॉन्ग विल श्याम टेक टू द जॉब बाई हिमसेल्फ। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकंड, हिज स्पीड, उसकी स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइज ऑफ बैम्बू दैट कैन बी प्लेस इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर इज। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 14:14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है January 1, 2007 वाज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन January 1, 2008। तो आपका इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स इन डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्टेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 22 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन रन 100 मीटर इन 27 सेकंड एंड बी इन 30 सेकंड। ए बीट्स बी वाई, मतलब ए ने बी को पराजित किया, मतलब कितने समय में या कितने मीटर के लिए। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी सीरीज दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11, तो आगे कौन सी आएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है 6, 17, 39, 72, आगे क्या होगा? तो इसका सही जवाब रहेगा 116, ऑप्शन नंबर सी 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द 14 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे आया। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इनमें से मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी QOM। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज नेक्ट इज लेटर टू क्लोथ इन अ सेम वे थर्स्टी इज लेटर टू विच, तो थर्स्टी इज लेटर टू वाटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कोड दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इसका सही जवाब रहेगा 18, क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी UKRKS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ऑल द नंबर फॉर्म 1 to 21 विच इज डिवाइडेड बाई 2 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच विल बी द नंबर एट द 6th प्लेस फ्रॉम द राइट। तो कौन सा नंबर होगा आपका? तो ये नंबर होगा आपका मतलब इसके बीच में मतलब 6th प्लेस पे कौन सा होगा राइट से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी एंड मदर ऑफ डॉटर ऑफ एम
एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम एम विद टी के साथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश से हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो पहले से आपसे करेक्टली स्पेल्ड ये चार ऑप्शन दे रखी है, इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका बी, एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का आंसर सही रहेगा आपका डी, अनफॉरगेटेबल की सही स्पेलिंग ये होती है। इसके बाद आपका 23 का सही ऑप्शन रहेगी टुमारो की सही स्पेलिंग ये होती है। इसके बाद मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग आपकी ऑप्शन नंबर सी रहती है। एंड देन इसके बाद डेफियंस की सही स्पेलिंग आपकी ऑप्शन नंबर सी रहती है। तो ये पांच क्वेश्चन आपके करेक्टली स्पेल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ वर्ड दिए गए हैं, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो सेलेस्टियर का अपोजिट मीनिंग होता है आपका अर्थली। इसके बाद एब्सक्योर का आपका जो अपोजिट मीनिंग होता है फेमस, और इम्पल्सिव का होता है कॉशियस। इसके बाद कैप्टिवेट का होता है रिपेल। इसके बाद सिक्रेटिव का होता है कैंडिड। तो ये आपके अपोजिट इन मीनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो पांच क्वेश्चन ये हैं। पहला है कि इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ, द पुलिस फायर डैश द मॉब। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एट एंड अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस हैज बीन अक्यूज डैश कॉनिवेंस डैश द क्रिमिनल्स। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ एंड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ही हैज अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ ए टीचर्स। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, ही इज अ वेरी स्लो पर्सन बोथ डैश स्पीच एंड हिज बिजनेस। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ एंड एट। ऑप्शन नंबर सी, ऑफ एंड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी वॉज डिस्कस्टेड डैश द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज डैश द डेकोरेशन। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद एंड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि ईडियम फ्रेजेस में से कौन सी करेक्ट है। टू सर्व आउट, 36 का टू सर्व आउट, इसका सही ऑप्शन है आपकी ऑप्शन नंबर बी, टू रिटाइलेट। 37 बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका सही ऑप्शन है इरेगुलरली। 38 क्वेश्चंस टेकिंग टू द हर्ट, इसका सही जवाब है ग्रीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू कट समवन शॉर्ट, तो इसका सही आंसर होगा आपका टू इंटरप्ट समवन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 40 का ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन। नेक्स्ट बताना आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन आर कैप्ट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैंगर। नेक्स्ट है आपका ए वेरी फेमस पर्सन, इसको हम कहते हैं लुमिनेरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डेड विदाउट हैविंग मेड ए वैलिड विल, तो इसका सही जवाब है इंटेस्टेट, ऑप्शन नंबर सी। वन लीडिंग एन अनसेटल लाइफ, तो इसको हम कहते हैं वेगाबॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुमैन हु यूजेज हर चार्म्स टू एक्सप्लॉइट मैन, तो इसका सही जवाब है बैंप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पी सी राणा। एक्चुअली इनका नाम जो है पी एस राणा है, ठीक है, पी एस राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वॉज सेटअप एट शिमला, तो इसको सेटअप किया गया था 1955 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966, तो इसको हेड किया गया था ऑप्शन नंबर डी, जे सी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इस काल, तो उसको क्या कहते हैं, हालदा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज ए छोटी काशी, तो ये आपका सही जवाब है मंडी डिस्ट्रिक्ट को छोटी काशी कहा जाता है। इसके बाद है हाटू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ, ये आपका शिमला में है, तो इसका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर अ स्पीच, तो इन्होंने आए थे आप 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड, तो इसका सही जवाब है सुमन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेक कीन इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ चंबा एम्ब्रॉयडरी एंड रुमाल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मसूर टेम्पल्स ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच सेंचुरी, तो ये बनाया गया था आपका 8th century में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी, तो ये आपका स्टार्ट किया गया था
अजवर सेन ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम, तो ये आपके आए थे सेंट्रल एशिया से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका US क्लब शिमला वाज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर, तो ये थे आपके सर जर्मिया बेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा, तो इनका नाम है जयवंत राम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस, तो उस टाइम में राजा थे आपके बुशहर के शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द भागल स्टेट, तो इनका नाम है अजय देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ द सुंदरनगर टाउन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसमें गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा बनेड, ठीक है बनेड है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी, तो ये थे आपके जगत सिंह कुल्लू डायनेस्टी के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियंस, तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारकंडा खड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मारकंडा खड है। नेक्स्ट है नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपकी पड़ती है किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपकी एंटर करती है बढ़ल जगह पे। नेक्स्ट है वाई व्हाट नेम ग्लेशियर आर नोन इन लोकल लैंग्वेज, तो उनको कहा जाता है शिगड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन दी स्वालिक हिल्स, तो ये आपका मनाली स्वालिक हिल के अंडर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द पोर टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये आपका टाउन है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीरा वाज, तो उनको कहा जाता है निर्ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इम्पीरियल मौर्यास वाज, ये कौन थे आपके लास्ट किंग, ये थे आपके बृहद्रथा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन द अर्ली एंशियंट इंडिया वाज, ये था आपका पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केम टू यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स, तो इनको कहा जाता था यवन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नवनीतकम सब डील्स विद, जो आपका डील करता है मेडिसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया, तो ये थे आपके हर्षा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो ये थे आपके गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खुजराहो वाज बिल्ड बाई, तो ये तो बिल्ड किया बनाया गया था यशो वर्मन के द्वारा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स, तो ये आपके चिश्ती ऑर्डर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कंटेस्ट वाज, ये थे आपके फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द शिप्स विल्ड फॉर ट्रेड, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी मालदीव आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर, तो ये थी आपकी संगम डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टाउन इज आउटसाइड इंडिया, तो ये है आपके जहांगीर का है मकबरा जो कि भारत के बाहर है। नेक्स्ट है कि शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था, तो ये थे आपके कर्नाटका। नेक्स्ट है भारत ने ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो इनका नाम है हैदर अली। नेक्स्ट है आपके कि किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया, तो ये है नाना साहिब, ऑप्शन नंबर बी नाना साहिब। अगला है कि द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो ये थे आपके WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द गांधीज फॉलोअर वर सेलेक्टेड टू गो ऑन मार्च टू दांडी, तो ये थे आपके 78 फॉलोअर्स।
नेक्स्ट है आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस, तो ये था आपका नागपुर सेशंस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं ज्योग्राफी से, ग्रेनाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ, ये है आपकी इग्नीशियस रॉक। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट एट, ये आपकी होती है ट्रॉपिक्स में। नेक्स्ट है द सॉइल फाउंड इन इन द मार्शी एरियाज आर नोन एज, इनको कहा जाता है बोग सॉइल्स, ऑप्शन नंबर ए बोग सॉइल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको है सवाना, ऑप्शन नंबर ए सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइडस्प्रेड इन दी, तो ये वाइडस्प्रेड है आपकी मेडिटेरियन रीजन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज, तो ये है आपकी राइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, तो क्वीन ऑफ हिमालय कहा जाता है कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम्स, तो ये है माउंट जेपबो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया पजेस ऑल द फोर फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट, ये है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज रणजीत सागर डैम, तो ये इसको कहा जाता है थीन डैम को, रणजीत सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन, तो आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन एज एट मैरिज इज हाईएस्ट अमंग द, तो हाईएस्ट रहती है आपकी क्रिश्चियंस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच स्टेट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन द मेल लिटरेसी, तो ये इसका सही जवाब है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 इन द वोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है अंडवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुना इज एसोसिएटेड विद, तो ये है आपके चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो है आपकी चाइनीज, या फिर कह सकते हैं मैड्रिन चाइनीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर, तो ये है आपका सबसे ज़्यादा जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लीड द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, तो ये है आपकी माइका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये है आपका न्यूटन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड अ मैन ईट्स हैज, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है, मतलब कौन सी एनर्जी होती है उसमें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, ये होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर, तो ये आपका होता है कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम, ये बनते हैं आपके सेमी कंडक्टर से। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ, ये आपका टंगस्टन से बनता है। अगला है द इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नोन एज, वो है आपका ध्रुभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइडली यूज पॉलीमर पॉलीइथाइलीन इज मेड फ्रॉम, तो ये बनते हैं आपके इथाइलीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफामाइसिन इज अ ड्रग टू क्योर, तो ये आपका होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अल्कोहल ब्रेवरेजेस वाइन्स कंटेन्स, इनमें होता है आपका इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूमाजिलिन इज एन, मतलब ये क्या है, ये एक आपकी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाई, तो मलेरिया आपका फैलता है एनाफ्लीज मॉस्किटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज, तो ये है आपका चेस्ट नट, ऑप्शन नंबर बी। टैनिन इज यूज फॉर मेकिंग, तो टैनिन किसका, मतलब जो टैनिन का निर्माण, मतलब किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है, तो ये है इंक्स के लिए इसका यूज किया जाता है। वाटर इज ए गुड सोर्स ऑफ, तो गाइज इसमें दो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी, अकॉर्डिंग टू आंसर यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों ठीक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरनर सिटीजन्स। तो ये आपका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ये आपका फॉरनर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपकी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये इनके द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द हाइएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो बात हो रही है यहाँ पे सिविल सर्वेंट की, तो ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर ए। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन, तो ये आपकी होनी चाहिए विद इन मंथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज इन, ये होती है ओनली राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट्स ओनली वन मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इसमें है आपका सिक्किम, सिक्किम में ओनली वन सीट है लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल्स कैन बी इंस्टेटेड ओनली इन लोकसभा। तो ओनली लोकसभा में एक ही बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो है आपका मनी बिल। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये है आपके सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, तो इनको अप्रूव किया जाता है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाई अप्लाइंग विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यह आपका आर्टिकल नंबर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से इकोनॉमिक के, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदया प्रोग्राम। तो इसका मेन एम है आपका द हेल्पिंग फॉर हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SJSRY बिलोंग्स टू, तो ये आपकी बिलोंग करती है अर्बन एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाई, तो ये दिया जाता है आपका एस्टिमेट नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाई, सेंट्रल बैंकिंग परफॉर्म की जाती है आपकी RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन इज, तो स्टैगफ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, तो महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है आपका हाई इंटरेस्ट रेट्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये आपका बेस कोर्ट, वेतन न्यायालय। व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास, तो इसको पास किया गया था 1986 में। और इसके बाद है, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसका सही जवाब है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। गाइज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं करंट अफेयर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर आपके हर बार चेंज होते हैं, तो ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो भीषम नारायण सिंह थे और जिनका हाल ही में निधन हुआ था, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो ये आपके INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद जो इंडिया रैंक इन यूनाइटेड नेशन ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में कितना था, 96। इसके बाद जो आपके वैसे यहाँ चेंज हो रखे हैं चेयरमैन ऑफ CBIC, उस टाइम में थे आपके रमेश सिंह। तो गाइज यहाँ से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है, 2018 का पेपर है, तो यहाँ से क्वेश्चन देख ले कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, आप यहाँ से देख सकते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ तक एक करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं 158, 159 and 160, यहाँ तक आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आए थे। नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं हम हिंदी का, इनमें से मुहावरा कौन सा है, तो चार ऑप्शन में पूछा कि मुहावरा, तो इसमें भी दो ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, अंगूठा दिखाना और अंगूठा चूमना, या दोनों ही ये आपके मुहावरे हैं, ऑप्शन नंबर इसमें दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्व संज्ञा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इट्स येल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई का प्रत्यय है, तो गाइज यहाँ पे आई प्रत्यय होता है
कि आपका शुरू में लगता है। तो आई की सेंस कहीं भी नहीं आ रही थी, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रैप किया गया था, सभी को मार्क्स उसमें मिले थे। तो द्विजेंद्र का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विज प्लस इंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ओ आपका कंठ से आवाज़ निकलती है, तो कंठोस, कंठोस ठेय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वथा भिन्न शब्द है, सर्वथा भिन्न शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, चुपचाप। और हाल का उपसर्ग, उपसर्ग जो लास्ट में लगते हैं, तो आपकी सेंस दे रहा है खुशहाल में, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही जवाब है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 170 आवाहन का विपरीतार्थक बताना है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्जन। तो गाइज ये मैंने पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है किसी भी चीज़ की तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।